हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में तो आज हम क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की बुक नंबर टू स्वतंत्र भारत में राजनीति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने बुक वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं समकालीन विश्व राजनीति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे जिन लोगों द्वारा पहली वीडियो नहीं देखी गई है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना सिर्फ प्री बोर्ड बल्कि बोर्ड आने परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और चाहे वो सी बी बोर्ड हो यूपी बोर्ड एन और भारत में जितने भी राज्य स्तरीय बोर्ड हैं पॉलिटिकल साइंस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज का पहले प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में भाग्यवधु से चीज परिचित भेंट शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा दिया गया जी हाँ किसके द्वारा दिया गया तो वो दिए थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है आज़ादी के बाद प्रश्न नंबर दो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई राज्य पुनर्गठन आयोग की, पुनर आयो की स्थापना आपको पता है दोस्तों नाइनटीन में की गई थी ठीक है अगला प्रश्न है देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम बताइए देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों का नाम है पश्चिम बंगाल और पंजाब सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है मुस्लिम लीग द्वारा दिया द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया है दोस्तों इन्होंने कहा था कि भारत केवल एक राज्य का राष्ट्र नहीं है इसमें किसी दो आधार तत्व दिया गया है मुस्लिम लीग के अनुसार दोस्तों उन्होंने कहा था कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान नामक दो कौमों का देश है इसलिए उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था अगला प्रश्न है उन्नीस में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था तो उन्नीस में भारत के विभाजन के पीछे द्विराष्ट्र सिद्धांत था प्रश्न नंबर सात संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन की अगर हम बात करें तो इसमें राज्यों के विलय यानी अधिकतर रजवाड़ों की बात करें तो दोस्तों तो अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक समिति पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस समिति पत्र को ही हम क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन के नाम से जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग यानी राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो कानून लागू किया गया था और इसका गठन का नाइनटीन फिफ्टी थ्री में गठन किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत द्वारा किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा प्रश्न नंबर ग्यारह है। हैदराबाद के भारतीय में विलय के उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए प्रश्न नंबर बारह भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया और उसके आधार की व्याख्या कीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये चार या छः में पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर तेरह भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरदार पटेल से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक पूछा गया दोस्तों ठीक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हरित क्रांति किस दशक में हुई तो हरित क्रांति आपको पता तो 1960 थी थी। एक एक है दोस्तों उन्नीस के दशक में हरित क्रांति हुई थी योजना आयोग की स्थापना कब की गई योजना आयोग की स्थापना उन्नीस में की गई योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों नीति आयोग क्या है इसकी स्थापना कब की गई तो नीति आयोग तो की स्थापना दो में जनवरी दो में की गई और इसके अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्र विकास परिषद क्या है इसके अध्यक्ष भी राष्ट्र कौन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बीसवा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया और इसे कब लागू किया गया ठीक है अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर इक्कीस मुंबई प्लान क्या है यानी बॉम्बे प्लान क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज्यादा जोर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले किन अर्थों में भिन्न थी यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है तो कृषि पर आधारित थी और दूसरी उद्योगों पर आधारित थी हरित क्रांति क्या थी हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें इस चैप्टर से या नीजो नि नियोजन वाले चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के से क्वेश्चन बननेगा द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों वर्गीज कुरियन भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं प्रश्न नंबर छब्बीस पी सी मालोबीज़ कौन थे केरल योजना क्या है अट्ठाईस है दोस्तों विकेंद्रीकृत योजना सॉरी विकेंद्रीकृत नियोजन से क्या अभिप्राय है प्रश्न नंबर उनतीस की बात करें तो विकास के दो मॉडल कौन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विकास के दो मॉडल कौन से हैं भारत में कौन से मॉडल को अपनाया गया आपको पता है दोस्तों दुनिया में विकास के दो मॉडल उपलब्ध थे एक पूंजीवादी दूसरा समाजवादी भारत ने इन दोनों मॉडल को नहीं अपना करके अपनाया था मिश्रित अर्थव्यवस्था ठीक है चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ तो नाइनटीन में अगर बात करें तो पंचशील समझौता हुआ था भारत चीन में सॉरी नाइन्टीन फिफ्टी में दोस्तों नाइन्टी फिफ्टी फोर उन्नीस चौवन में नाइन सेवन में तो रूस के साथ हुआ था संधि चलिए भारत की विदेश नीति का नीति निर्माता किसे माना जाता है आपको पता है दोस्तों भारत के विदेश नीति निर्माता कौन हो सकते हैं वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जा सकता है दोबारा से भी प्रश्न नंबर तैंतीस है भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कोई दो तत्व लिखिए प्रश्न नंबर चौतीस है किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस कथन पर विचार कीजिए प्रश्न नंबर पैंतीस भारत में पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया कि आपको पता है पहला परीक्षण नाइनटीन सेवेंटी फोर और दूसरा नाइनटीन नाइनटी एट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं पोखरण में हुआ था दोस्तों राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बीच उन्नीस सौ युद्ध में शिमला समझौता वोरण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज क्वेश्चन पूछा गया दोबारा पूछा जा सकता है किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखे हैं जो उन्नीस के चुनाव के बाद गैर कांग्रेस सरकार बने आपको पता है दोस्तों नाइनटीन में पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी और वो आठ राज्य थे आठ राज्यों में से आपको चार नाम को पता होना चाहिए प्रश्न पूछा जा सकता है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ तो कांग्रेस का विभाजन भी दोस्तों पूछा जाता था उन्नीस सौ ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सिंडिकेट कौन थे कांग्रेस के अंदर बड़े दलों बड़े दल के नेताओं को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ क्या थे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों ग्रैंड अलायंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है सॉरी तो ग्रैंड अलायंस क्या यहाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गरीबी हटाओ नारा किसने दिया आपको पता है उन्नीस के चुनाव इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ नारा किस किस चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है जी हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है तो चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया ठीक है यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ऐसी दो विपक्षी पार्टियों नाम लिखी है जो उन्नीस में बने ग्रैंड अलायंस नामक चुनावी गठबंधन का हिस्सा थी जन स्वतंत्र पार्टी और जनता पार्टी दल बदल से क्या अभिप्राय है प्रश्न नंबर सैंतालीस है 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनने की संभावना पूरी पूरी है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री से आप क्या समझते हैं ये भी पूछ सकता है प्री की समाप्ति कब की गई 1971 में इसकी समाप्ति कर दी गई थी इंदिरा गांधी सरकार बनने के बाद उन्नीस सौ सड़सठ में चौथे आम चुनाव के समय देश में आए प्रमुख बदलाव का परीक्षण कीजिए छः नंबर में पूछा जा सकता है भारत में संघ सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देने वाली घटनाओं का परीक्षण वेरी वेरी इंपोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए प्रश्न नंबर बावन इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए किन्हीं चार कदमों का वर्णन कीजिए प्रश्न नंबर तिरपन है दोस्तों गुजरात नौ निर्माण आंदोलन क्या है राष्ट्रीय आपातकाल को किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू 1973 में न्यायाधीश को तीन वरिष्ठ सॉरी उन्नीस में किस न्यायाधीश को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपातकाल घोषणा कब की गई 25 जून उन्नीस जनता पार्टी की स्थापना कब हुई यहाँ से क्वेश्चन उन्नीस में शाह आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को नियुक्त किया गया था इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों उस नेता का नाम लिखिए जो सक्रिय राजनीति त्याग चुका था परंतु जिसको उन्नीस में बिहार में चले छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो करने के लिए आमंत्रित किया गया था प्रश्न वो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जेपी यानी जे, जेपी से क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बनेगा 1977 में कांग्रेस पार्टी की पराजय के कि किसी एक कारण को विश्लेषण कीजिए पच्चीस जून उन्नीस को किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई आंदोरूनी गड़बड़ी के आपातकाल के कारण घोषणा सॉरी आंदोरूनी आंदोरूनी गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई किन्हीं चार परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके कारण उन्नीस में आपातकाल घोषणा की गई अगला प्रश्न दोस्तों आपातकाल के क्या कारण है अथवा उन्नीस के आपातकाल से सीखे किन्हीं तीन पदों यानी किन्ही तीन पदों का विश्लेषण कीजिए आपातकाल भारतीय राजनीति में सर्वाधिक विवादास्पद घटना रही इसके तीन प्राणों का वर्णन करें अथवा स्पष्ट करें वचनबद्ध नौकरशाही क्या है संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं जयप्रकाश नारायण कौन थे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जनता दल का गठन कब किया गया था यह कब किया गया क्वेश्चन है अगला है मंडल आयोग की स्थापना कब की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना की गई थी उन्नीस के बाद की अवधि में भारतीय राजनीतिक मुख्य मुद्दे क्या रहे इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव से के क्या आरोप सामने आए हैं यूपीए और एन डी ए याद रखना दोस्तों यूपीए और एन डी ए से हंड्रेड वन परसेंट क्वेश्चन बनेगा यू पी ए वन ठीक है यू पी ए टू एन डी ए वन टू थ्री फोर ठीक है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यू पी ए दोस्तों ये कांग्रेस के अलायंस है और एन डी ए बीजेपी के अलायंस है यानी गठबंधन दलों का समूह है यूपीए में सबसे बड़ा दल कौन है कांग्रेस और एनडीए में सबसे बड़ा सबसे बड़ा दल कौन है दोस्तों बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की फुल फॉर्म क्या है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यू पी ए की बात करें तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का ऐसा दल है जो पूरी तरह से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है चलिए नेक्स्ट है 1980 से भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में बढ़ने की व्याख्या करें तो बीजेपी से क्वेश्चन बनेगा बनेगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम लिखे काशीराम गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं बीसवीं सदी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी वर्णन कीजिए अगला प्रश्न है दोस्तों उन्नीस सौ नवासी के चुनाव के बाद गठबंधन राजनीति का युग आरंभ हुआ जिसमें राजनीतिक दल को आधार मानकर गठजोड़ गठजोड़ नहीं करते व्याख्या कीजिए गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकार की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती हैं और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों है, आज का राम मनोहर लोहिया कौन थी उनकी विचारधारा क्या थी तो दोस्तों ये रहे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन से बाहर आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे वीडियो को पूरा देखें दोस्तों स्किप ना करना और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तब तक के लिए जय हिंद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में